वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको आपका फेसबुक एड्स का कैंपेन स्केल कब करना है और कैसे करना है। ठीक है, देखो आपने कैंपेन रन कर दिया है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो गए हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो एक जो अगला क्वेश्चन जो आपका आता है कि भाई स्केल कैसे करें हम, ठीक है, तो उसी के बारे में वीडियो है कि स्केल कैसे करना है। वीडियो के अंदर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड वीडियोज आती रहती है, प्लस कुछ पॉडकास्ट भी आते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं कि भाई कैसे स्केल करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं स्केलिंग के टाइम पे। देखो जब आप स्केल करते हो तो बेसिकली आपको दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आपका सीपीसी अप जाएगा या आपका सीपीसी डाउन जाएगा। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली सीपीसी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब जैसे अगर आप स्केल करते हो तो आपका हो सकता है कि आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल लगे कम कॉस्ट पर परचेज में, जो कि आप चाहते हो, जो कि सब चाहते हैं, मतलब यही सब लोग चाहते हैं। और दूसरा काम हो सकता है कि जब आप अपना बजट को इंक्रीज़ करो, जब अपने कैंप जो आपका बजट लगा हुआ है उसको जब आप इंक्रीज़ करो स्केलिंग के टाइम पे, तो आपको रिजल्ट तो मिले लेकिन जो कॉस्ट पर परचेज़ है, एक परचेज को लाने के लिए जो आपका कॉस्ट लग रहा है वो काफ़ी हैवी जाने लगे, ऊपर जाने लगे, तो ये चीज़ डिस्टर्बिंग होता है। तो इस ये चीज़ें ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि भाई स्केलिंग कैसे करनी है। तो देखो जो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको कैंपेन के बजट को इंक्रीज़ करना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सबको मालूम है भाई स्केल करना तो कैंपेन के बजट को इंक्रीज़ कर दो। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को ये होता है कि भाई कि अब कैंपेन के बजट को इंक्रीज़ करते हैं तो सेल ही रुक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि अब डिपेंड करता है कि आपका कौन सा, आप किस टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपके यू नो बेसिकली एड्स की फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि भाई एक बंदे को कितनी बार आपके एड्स दिखाए जा रहे हैं, रिपीटेटिव एड तो नहीं दिखाए जा रहे किसी को, तो फ्रीक्वेंसी आपको आपके एड्स मैनेजर में दिखा दी जाएगी कि भाई आपके इस पर्टिकुलर एड की कितनी फ्रीक्वेंसी है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेट सपोज एक आ रही है, दो आ रही है, देन आप उसको आराम से उसमें बजट डाल सकते हो, बढ़ा सकते हो उस बजट को, क्योंकि अभी उसमें चांस है कि आप उसको स्केल कर पाओ। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी दो से ज़्यादा है, दो से लेट सपोज तीन है, चार है, तब भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर चार पाँच से ऊपर जाने लगती है, छः सात तक चली जाती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब आपको उस प्रोडक्ट को या तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसको आप स्केल नहीं कर सकते। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उतने बजट में बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि ऐड रिपीट हो रहे हैं एक बंदे के पास, देन दिक्कत होगी क्योंकि फिर आपकी ऑडियंस खत्म होने लगेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, लोग अचानक से बहुत बड़ा स्केल कर देते हैं, यानी कि 500 रुपये का बजट डालते हैं, 500 रुपये में उनको 500 ले जाती है, उनको अच्छा रवाज आता है, अगले दिन सीधा बजट 2000 रुपये कर देते हैं। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा बजट कर देते हो तो ऑडियंस आपकी अचानक से ब्रॉड हो जाती है। ठीक है, और फेसबुक एल्गोरिथम उसको कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई अब इतनी ज़्यादा ऑडियंस आ गई, इसमें से हमें बायर कैसे खोजना है। आपका जो एक इंटरेस्ट है, उस एक इंटरेस्ट के अंदर पूरे ही बायर नहीं होते, उस इंटरेस्ट के अंदर कुछ लोग होते हैं जो बायर होते हैं, और फेसबुक एल्गोरिथम उन लोगों को खोजता है कि इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ठीक है, तो अचानक से बहुत ज़्यादा बजट नहीं बढ़ाना है, ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाला सीन मैंने बताया, ये आप चेक करके अपने बजट को आराम से इंक्रीज कर सकते हो। आप बजट इंक्रीज कर रहे हो, अप एंड लो करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता अगर आप स्केल कर रहे हो तो बस स्केल करते ही चले जाओगे। अगर मान लो 500 पे थे, 800 किया, 800 पे ऑर्डर नहीं आया तो वापस आप 500 पे आ सकते हो, फिर थोड़े टाइम बाद आप दोबारा ऊपर जाओगे। तो ऐसे ऊपर नीचे स्केलिंग करके आप चेक करो कि कहां पर आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। बजट का भी बहुत इंपैक्ट होता है आपके सेल के ऊपर। ठीक है, दूसरा तरीका है स्केलिंग का, वो है आपका CBO, कि भाई आपका CBO आप कर सकते हो। बेसिकली CBO इज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। लेट सपोज आपने एक ऐड चलाया था, ऐड सेट बजट पर वो काफ़ी अच्छा चल रहा है आपका, बहुत अच्छा चलता जा रहा है, आपको सेल आ रही है, बढ़िया आ रही है, आपने सोचा कि आप इसको स्केल करते हो, तो आप स्केल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसी पर्टिकुलर कैंपेन का, उस कैंपेन को आप डुप्लीकेट करोगे, जो अच्छी सेल दे रहा है उसको नहीं छेड़ना है, आप उसी कैंपेन को डुप्लीकेट करोगे, डुप्लीकेट करने के बाद आपको CBO में चलाओगे। CBO इज़ बेसिकली जहाँ पर फेसबुक डिसाइड करेगा कि उसको किस एड सेट को कितना पैसा देना है, कितना पैसा स्पेंड करना है, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले। अब फेसबुक बेसिकली आपको यहाँ पर परचेज आ रही है, तो फेसबुक को मालूम है कि भाई कौन कौन लोग हैं जो आपके यू नो आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, देन आपके लिए CBO काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता है। तो आपको CBO का इस्तेमाल करना होगा कि भाई मेरा जो परचेज है वो इंक्रीज हो जाए, बेसिकली जो भी आपका कैंपेन आपने बनाया उसको डुप्लीकेट करके डायरेक्टली आप CBO चला सकते हो। जो कैंपेन चल रहा है उसी को CBO में कन्वर्ट मत करना। ठीक है, तीसरा तरीका होता है कि भाई अपनी टारगेटिंग को एक्सपैंड करोगे। स्केलिंग का मतलब केवल बजट को बढ़ा देना नहीं होता है कि आप बजट को बढ़ा दो, स्केलिंग बहुत तरीके से की जाती है, उनमें से कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक जो बहुत अच्छा तरीका है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को एक्सपैंड करता हूँ। एक बार जब फेसबुक को समझ में आ जाता है, एक बार जब आपका पिक्सल ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक है, कि भाई आपकी ऑडियंस कौन सी है, देन आप अपनी ऑडियंस को एक्सपैंड करके भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर आप मान लो आपके पास कुछ 4 या 5 सेट ऑफ ऑडियंस है, इंटरेस्ट है, जिस पर आपका सेल बहुत अच्छी आ रही है, अब आप उन्हीं सेट ऑफ ऑडियंस के यू नो रिगार्ड उन जो लेट सपोज 4 या 5 कुछ ऐसे, लेट सपोज आपका एक हेयर प्रोडक्ट कीवर्ड है, उस हेयर प्रोडक्ट कीवर्ड पर आपको बहुत अच्छी इंटरेस्ट पे बहुत अच्छी आपको सेल
मिल रही है। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप उस हेयर प्रोडक्ट के इर्द गिर्द जो कीवर्ड्स यानी कि उससे रिलेटेड कीवर्ड्स है आप उनको भी टारगेट करके देख सकते हो कि भाई क्या वहाँ पर सेल आ रही है। आप नैरो कर सकते हो, लेयर कर सकते हो। तो बेसिकली आप अपनी ऑडियंस को आप अपने टारगेट जो सेक्टर आपका उसको एक्सपैंड कर रहे हो। दूसरी चीज़, आप नो टारगेटिंग कर सकते हो। नो टारगेटिंग आपको तब करनी है जब आपका पिक्सल बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाए, ठीक है। जब आपका पिक्सल बहुत मैच्योर रहेगा देन आप जब नो टारगेटिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नो टारगेटिंग में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि भाई अपनी ऑडियंस को आप टारगेट करो, एक्सपैंड करो। अब ऑडियंस एक्सपेंशन भी एक टूल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऑडियंस एक्सपेंशन एक टूल है जो अभी बीच में हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने लगा था। लाइक हमने सारी ऑडियंस को एक्सपैंड करके टेस्ट किया था, एक एड सेट में वही सेम इंटरेस्ट चले थे और एक एड सेट में वही सेम इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के साथ चले थे, तो एक्सपेंडेड वाले ने बेटर रिजल्ट दिया था, तो आप वो भी कर सकते हो। चौथी चीज़ है कि आप लुक अलाइक क्रिएट कर सकते हो। जब आप उस लेवल पे हो कि लुक अलाइक के लिए आपको एक लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, अगर आप उस लेवल पर आ चुके हो जहां पर आपके पास एक इनफ डेटा है, लेट्स सपोज 300-400 परचेज आपके पास है या उससे ज्यादा परचेज है आपके पास, देन आप लुक अलाइक आपने क्रिएट कर दिया। लुक अलाइक आप 1%, 2%, 3% की लुक अलाइक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। 3% ज्यादा मत करो, फिर वो मजा नहीं रहती है, ठीक है। तो आप 1% या फिर 2% या 3% तीनों लुक अलाइक क्रिएट कर लो, तीनों को अलग अलग एडसेट में चला सकते हो, ठीक है। और चेक करो कि कौन से लुक अलाइक पे आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल रहा है। 1%, 2% पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं, 3% पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है या फिर शायद ना आए, तो वो डिपेंड करता है टोटली। तो आप 1, 2, और 3% पे लुक अलाइक क्रिएट करके एड्स चला सकते हो, बेसिकली CBO भी चला सकते हो और एडसेट बजट पे भी चला सकते हो। तो लुक अलाइक क्रिएट करके स्केल करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप लुक अलाइक क्रिएट कर लो, लुक अलाइक क्रिएट करके आप अपने कैंपेन को स्केल करो, ठीक है। और पांचवा तरीका है जो कि बहुत बेस्ट है, ऐसे बेस्ट तो सारे ही हैं यार, ठीक है। आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा। पांचवा तरीका है कि भाई आप ऐड क्रिएटिव्स, यानी लेट्स सपोज देखो आप जब आप ऐड चलाते हो तो आप एक ही ऐड क्रिएटिव लेकर चलते नहीं हो, या फिर अगर आप ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स में हो तो बेसिकली आपके पास एक ही ऐड क्रिएटिव होता है, उसी ऐड क्रिएटिव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन मान लो अगर आपके पास एक या दो ऐड क्रिएटिव है, अब आप ये देख सकते हो कि कौन सा ऐड क्रिएटिव आपके लिए बेटर परफॉर्म कर रहा है, देन आप उस ऐड क्रिएटिव को रेप्लिकेट कर सकते हो, ठीक है। उस ऐड क्रिएटिव को डुप्लीकेट कर सकते हो, किसी न्यू लुक लाइक्स के साथ आप चला सकते हो, जो आप नए नए ऑडियंस को आप पहुंचोगे, जिन ऑडियंस सेट तक आप पहुंचोगे। एक वीडियो है मेरी, आई बटन पर क्लिक करना, आपको मिल जाएगी फेसबुक टारगेटिंग के रिगार्डिंग, तो आपको वो भी चीज़ पता चल जाएगी। जब आप नए नए इंटरेस्ट तक पहुंचोगे तो आप उसी ऐड को इस्तेमाल करो जो आपका ऐड काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग कि आप एक नया ऐड ट्राई करो, आप उस ऐड को ट्राई करो जो आपका एक्चुअल में अच्छा चल रहा है। अब ये बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, जैसे मान लो अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो या फिर लेट्स सपोज यू नो एनी काइंड ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट है आपका या फिजिकल प्रोडक्ट ही, अगर आपके 2-3 ऐड हैं आपके पास, तो 2-3 ऐड्स में से आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सा ऐड आपका बेटर वर्क कर रहा है। जो ऐड आपका बेटर वर्क कर रहा है उसी ऐड को लेकर के आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। एंड देन आप उसको रिप्लीकेट करके आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो देखो स्केलिंग का एक मतलब आप ये देखो कि भाई स्केलिंग का मतलब केवल आपको बजट बढ़ाना नहीं है, आप अलग अलग तरीके से स्केलिंग कर सकते हो, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, अलग अलग एडसेट बना करके है, अलग अलग एडसेट में बजट इंक्रीज करके है, वो सारी चीज़ें हैं, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या चीज़ यू नो आपके लिए क्या चीज़ वर्क कर रही है। अब ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है वो आपके लिए भी करेगी, इसीलिए मैं बहुत सारे ऑप्शन देता हूँ कि क्या क्या मैंने ट्राई कर रखा है, तो आप भी इनमें से चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। जैसे आप बजट भी बढ़ाने के ऊपर होता है कि भाई आप बजट अगर बढ़ा रहे हो तो आपके पास उतना बजट है, यानी कि आप बस एक दिन टेस्ट करने के लिए बढ़ा रहे हो कि मैं एक दिन देख लेता हूँ 2000 में कितना सेल आती है, ठीक है। तो बजट बढ़ाते हुए भी आपको ये देखना है कि अगर मैं इतना बजट बढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक्चुअल में सेल कितनी चाहिए, मेरा ROAS कितना होना चाहिए या फिर मेरा CPC कितना होना चाहिए बेसिकली। तो धीरे धीरे जब आप ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे अपने बजट को तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 500 से आप 600, 700 तक जाओ, 700 के बाद आप 900 तक जाओ, फिर 900 से आप 1200 तक जा सकते हो, ऐसे करो। सीधा 500 से 1000 या 500 से 1200 या 1300 रुपये ऐसे मत जाओ, ठीक है, मतलब आपको दिक्कत हो जाएगी। और ये जो टारगेटिंग, ये जो स्केलिंग है, ये सबके लिए काम कर सकती है, ई कॉमर्स वालों के लिए भी, आपका अगर आप लीड जनरेट करते हो, डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, सबके लिए काम करेगी। तो अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक कर देना यार, और अब चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे और क्या, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तब तक के लिए धन्यवाद।